फर्स्ट ऑफेंस, मैं हूँ आपका फ्रेंड समीर और द कंप्यूटर शॉप में आपका हार्दिक स्वागत। इस शॉप पर काफ़ी कस्टमर्स आते हैं जिन्हें नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेना होता है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि कौन सा लैपटॉप या कंप्यूटर लिया जाए। इस चीज़ में लेकर वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, कितना पैसा खर्च किया जाए, कौन से कंप्यूटर पर लगाया जाए, कौन से लैपटॉप पर लगाया जाए, कौन सी ब्रांड का कंप्यूटर लिया जाए। तो इस चीज़ में उनको कोई सही सजेशन देने वाला नहीं होता, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकूं कि आपको कभी भी जब नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेना हो तो आप कंफ्यूजन में ना हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको दिमाग में रखकर अगर आप नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेंगे तो कभी आपको धोखा नहीं होगा ना आप नुकसान में रहेंगे। तो आप देखिए मेरी ये टिप्स और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले जब भी आपको कोई लैपटॉप या कंप्यूटर लेना हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आखिर वो लेना किसके लिए, कि आपको किसी स्टूडेंट के लिए लेना है या किसी ऑफिस में जॉब करने वाले के लिए लेना है या किसी पर्टिकुलर ऐसे बंदे के लिए लेना है जिसे गेमिंग के लिए यूज़ करना है या फिर किसी को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाना है जैसे एनिमेशन रिलेटेड कोई कोर्स करता है। तो जो हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की कैटेगरी आती है वो उसी पर डिपेंड करती है और उसी हिसाब से उनका हार्डवेयर होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए कभी भी लैपटॉप और कंप्यूटर परचेज़ करेंगे तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, कभी भी आप एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करेंगे और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से आपको चीज़। अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए बेसिक i3 लैपटॉप भी सफिशियंट रहेगा। i3 लैपटॉप, इसमें प्रोसेसर्स की बहुत सारी कैटेगरी आती है, प्रोसेसर रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको उसकी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगी। अभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिक एजुकेशन पर्पज़ के लिए जिसमें आप MS ऑफिस चला सकें, पेंट यूज़ कर सकें, पावर पॉइंट यूज़ कर सकें, एक्सेल यूज़ कर सकें, वर्ड यूज़ कर सकें और आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें, YouTube, Facebook, WhatsApp, Google आप सब कर सकें, विकिपीडिया चला सकें, तो उसके लिए आपका बेसिक i3 लैपटॉप सफिशियंट रहेगा। और उसकी रेंज मार्केट में आपकी 30,000 से लेके 38,000 तक स्टार्ट है और बहुत सारी कंपनीज़ में अवेलेबल हैं, HP हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, एसर हो गया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का लेना चाहेंगे। नहीं, कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेना हो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो होती है लैपटॉप का प्रोसेसर। ये जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि स्टूडेंट पर्पज़ के लिए i3 लैपटॉप भी सफिशिएंट रहता है, i3 प्रोसेसर का लैपटॉप, तो i3 जो है हमारा प्रोसेसर है। तो कभी भी आप लैपटॉप लेने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उसका प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर की सीरीज़ बहुत स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है, जैसे कि पेंटियम, ज़ियोन, सेलरॉन, सेंट्रिनो, कोर टू कोर डुअल कोर और आपका पेंटियम आर। लेकिन अब जो रीसेंट सीरीज़ चल रही है, कोर टू डुओ के अब भी मिल जाते हैं, पेंटियम आर के अब भी मिल जाते हैं, लेकिन रीसेंट अगर आप सीरीज़ पे जाएं तो आपकी i3, i5, i7, इनफैक्ट अब 2019 में i9 भी लॉन्च हो गई है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि उसका प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर के अंदर भी काफ़ी सारी अब जनरेशन आने लगी हैं, जैसे i3 के अंदर आपकी 8 जनरेशन तक आ चुकी है। तो जनरेशन क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, लैपटॉप में और कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटिंग करता है, मतलब उसका ब्रेन जो होता है वो आपका प्रोसेसर होता है, सारी कंप्यूटिंग प्रोसेसर ही करता है। तो जितना रीसेंट होगा, जितनी हायर जनरेशन का प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी प्रोसेसिंग करेगा, उतनी स्पीड पे लैपटॉप आपका चलेगा। अगर आप i3 प्रोसेसर का लैपटॉप लेने जा रहे हैं जो कि रीसेंट मार्केट में अवेलेबल है, i3 8 जनरेशन का या i3 7 जनरेशन का, तो i3 का अगर आप i5 से कंपेयर करेंगे तो i3 का सस्ता आएगा, i5 उससे महंगा आएगा, i7 उससे ज़्यादा महंगा आएगा और i9 उससे भी ज़्यादा महंगा आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, i3, i5, i7, ये सब प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। i3 जो प्रोसेसर होगा वो आपका वर्किंग फाइन करेगा, स्पीड उसकी सही होती है लेकिन उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट रहता है। i5, i7, i9 इन प्रोसेसर्स के लिए वो लोग जाते हैं जिनको कि लैपटॉप कंपनीज में चलाना होता है या कोई मल्टीमीडिया रिलेटेड काम करना होता है या एनिमेशन रिलेटेड काम करना होता है। तो अगर आपको नॉर्मल होम यूज़र्स के लिए या नॉर्मल सर्फिंग के लिए या स्टूडेंट पर्पस के लिए चाहिए तो i3 लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। और i3 में भी अगर 8 जनरेशन रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छी स्पीड देगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके बाद आपकी बात आती है स्क्रीन साइज़ पे। स्क्रीन साइज़ आपका 13.0 से लेके 15.6 स्क्रीन साइज़ तक लैपटॉप अवेलेबल है।
उसमें भी अगर आप लाइट वेट लेते हैं, छोटी स्क्रीन का लेते हैं और 180 डिग्री बेंड होने वाला लेते हैं, तो वो आपका कॉस्ट बढ़ जाती है उसमें लैपटॉप की। और अगर नॉर्मल स्क्रीन वाला लेते हैं, नॉर्मल डिस्प्ले वाला लेते हैं, 15.6 वाला लेंगे, तो उसका रेट आपका वही स्टार्टिंग 35 से 38 के बीच में आ जाएगा। और लैपटॉप अगर आप i3 सीरीज़ का लेंगे तो वंस अगेन वही नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें आपकी 1 TB हार्ड डिस्क, 4 GB रैम और इंटेल HD ग्राफिक्स के साथ अगर आप लेते हैं, तो आपका 33 से लेके 38 की रेंज में आ जाता है। i5 जाते हैं तो i5 की रेंज आपकी 40 से ऊपर आती है, 40 से 50 तक की रेंज में आ जाते हैं। इसके बाद और सीरीज आती है, तो ऐसे ऐसे उसका रेट बढ़ता चला जाती है लैपटॉप में। दूसरी चीज़ होती है आपकी हार्ड डिस्क, कि उसमें हार्ड डिस्क कितनी है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके स्टोरेज के ऊपर, कि आपको उसमें कितनी स्टोरेज करनी है, कि आपका डेटा कितना हो सकता है। नॉर्मली लैपटॉप्स के साथ 1 TB या 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई आती है, और जिसके अंदर अगर आप और एक्सटेंड करवानी चाहें तो आपको एक्सटेंड कर सकते हैं उसे, मतलब 1 TB की भी ले सकते हैं हार्ड डिस्क, 2 TB की भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना डेटा उसके अंदर स्टोर करना है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है आपकी रैम, कि उसके अंदर रैम कौन सी लगेगी। रैम बेसिकली डिस्प्ले के लिए और स्पीड के लिए डिपेंड करती है। आप जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर लोड होते हैं, तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए रैम। नॉर्मली लैपटॉप्स के अंदर मिनिमम अब 4 GB तो आती ही आती है, बाकी अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो आप उसको एक्सटेंड करवा के 8 GB तक की रैम भी ले सकते हैं। नए प्रोसेसर्स में और नए लैपटॉप में आप DDR4 रैम भी आ रही है, DDR3 भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, DDR3 भी चलती है, बहुतों में DDR3 आती है, लेकिन अब जो रीसेंट लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर DDR4 आती है। रैम से रिलेटेड भी अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है, तो हर एक चीज़ से रिलेटेड एक कम्प्लीट वीडियो बन जाती है। तो रैम रिलेटेड भी बहुत सारी एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा कि किस किस टाइप की रैम होती है, DDR कौन सी होती है, DDR2 कौन सी होती है, DDR3 कौन सी होती है, DDR4 कौन सी होती है, और उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनके कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपकी लैपटॉप की कॉस्टिंग भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है, कि अगर आपकी DDR3 रैम है तो थोड़ी सस्ती आएगी, DDR4 रैम है तो थोड़ी महंगी आएगी, और उसमें भी 4 GB है तो सस्ती होगी, 8 GB तो थोड़ी महंगी आएगी। नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, कि आपने लैपटॉप लिया तो लैपटॉप के अंदर अब अधिकतर इंटेल HD ग्राफिक्स आते हैं, अगर आप इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हैं तो, AMD का ले रहे हैं तो AMD का भी ग्राफिक कार्ड होता है, तो इंटेल HD ग्राफिक्स सफिशेंट होता है अगर आप स्टूडेंट पर्पस के लिए ले रहे हैं। अगर आप एनिमेशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, गेमिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी, जो कि बोर्ड के ऊपर ही फिटेड होता है, तो उसमें आपकी लैपटॉप की कॉस्टिंग और बढ़ जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो उसकी, तभी एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लें, जैसे NVIDIA के साथ NVIDIA ग्राफिक्स आता है, Radeon ग्राफिक्स आता है, लेकिन उससे लैपटॉप की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम, ये बात तो ही हमारे हार्डवेयर की, इसके बाद बात होती है कि अगर हम लैपटॉप लेने गए तो उसमें भी रेट डिपेंड करता है कि हमें विद विंडोज़ चाहिए या डॉस पे चाहिए। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो विद विंडोज़ होगा वो फुली फंक्शनली होगा, मतलब उसमें पूरा कंप्लीट काम करेगा वो, उसमें विंडो कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड आती है और उसके साथ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड आते हैं, एंटीवायरस भी प्री इंस्टॉल्ड आता है, बहुत सी कंपनी 6 मंथ का एंटीवायरस भी देती है उसके अंदर, और MS ऑफिस वगैरह प्री इंस्टॉल्ड होता है। कुछ फुल वर्जन भी होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे विंडो मूवी मेकर वगैरह, उसके अंदर काफ़ी चीज़ इंस्टॉल्ड होती हैं। लेकिन अगर इसकी जगह आप डॉस पे लेंगे तो डॉस का लैपटॉप आपको उससे थोड़ा सस्ता पड़ेगा कॉस्टिंग में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं होती, वो डॉस पे होता है, वो आप ऑन करेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, खाली ब्लैक स्क्रीन पे कुछ डॉस की कमांड्स आएंगी, जो आप जिसको जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, उसमें आपको अलग से विंडो इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, तो इससे भी रेट में फ़र्क पड़ जाता है आपके लैपटॉप में। नेक्स्ट चीज़ कि लैपटॉप आपने परचेज कर लिया, लेने के बाद आप थोरोली उसकी चेक कर लें कि वारंटी कितनी है, चाहे आप HP का लें, चाहे डेल का लें, किसी भी कंपनी का लें, तो आप डीलर से कंफर्म कर लेंगे वारंटी कितनी है, ऑन साइट वारंटी है या वारंटी ऑफ साइट है। अगर ऑन साइट होगी और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्विस सेंटर वाले आपके घर पर आकर ही ठीक करके जाएंगे लैपटॉप को। और इसके अलावा आप जैसे डीलर ने आपको बिल दे दिया है तो ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर दें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो कंपनीज एक्सटेंडेड वारंटी भी देने लगी हैं, तो आप ध्यान रखिएगी उसमें क्या होता है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर आपको 1 साल से वारंटी जो होती है बढ़ जाती है, आपकी 2 साल की 3 साल की वारंटी भी हो जाती है। तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि कुछ पार्ट का डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज नहीं, इंटरनल डैमेज अगर कुछ हुआ, कुछ पार्ट ख़राब हो गया, बोर्ड ख़राब हो गया, तो उसमें आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर बोर्ड ख़राब होता है तो आपका
9 से 12 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है, तो वो खर्चा आपका बच जाएगा एक्सटेंडेड वारंटी में देने में। कुछ कंपनी आजकल इंश्योरेंस भी देने लगी हैं कि अगर आपका लैपटॉप गिर जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, फिजिकल डैमेज होता है जो कि वारंटी में कवर नहीं होता है, उस चीज़ में भी आपको फ़ायदा रहेगा, उसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। इंश्योरेंस से आपका ये है कि पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।